हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा 8th सेमेस्टर सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी। इससे पहले हम बायोस्टेटिक्स, बायोस्टेटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के सभी लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, जो हम स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर में, वो होगा फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जो स्टूडेंट्स मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, एमआर बनना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। उनको जरूर ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर उनकी चॉइस अगर मार्केटिंग में करियर बनाने की है तो ये सब्जेक्ट जरूर लेना। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम बेसिकली जनरल इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग ही देखेंगे और उसके बाद जो फर्दर टॉपिक्स होंगे वो स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो दोस्तों, इसमें जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ। सभी जो टॉपिक्स है हमारे पीसीआई सिलेबस में वो कवर होंगे। एंड तक आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अफोर्डेबल प्राइसेस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल प्रिवेंटिव बायोस्टेटिक्स के पहले से ही अवेलेबल है वीडियोस। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। तो हमारा फर्स्ट यूनिट में क्या दे रखा है, मेन मार्केटिंग की, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली। तो एक्चुअली मार्केटिंग होता क्या है वो देख लीजिए आप। मार्केटिंग का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ये मार्कर है, ये है, जो भी है, टी शर्ट है, ये है, तो ये जो भी प्रोडक्ट्स है, टूथपेस्ट है, मेडिसिन है, इनको कंपनी से मार्केट में लेके आना और मार्केट से कंज्यूमर्स के पास पहुंचाना, यह जो प्रोसेस होगी इसमें मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है मार्केटिंग का किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि मार्केटिंग अगर जिस कंपनी की अच्छी होगी तो उसका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा सेल होगा और उसकी ग्रोथ होगी। दोस्तों, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो उसका जो रिवेन्यू होता है ईयरली, उसका 20% से अबाव वो मार्केटिंग में लगा देती है, जिससे उनकी ग्रोथ और ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जितना पैसा आप मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करोगे उतने ही आपके कंपनी की ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि डेफिनेशन भी आपके 2 मार्क्स में पूछी जाती है। We are using various type of items. हम यूज करते हैं different type of items, product for our daily needs like toothbrush, soap, medicine, shampoo, और भी इसके अंदर हम add कर सकते हैं। Each company is producing these product from company to consumer. It take many step and simply these step are known as, मतलब इसके लिए different steps कंपनी के द्वारा फॉलो की जाती हैं, उनको हम उसको हम बोल सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी डिफाइन एज आइडेंटिफाइंग एंड रीयूनियन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल नीड्स। आगे देखिए एक डेफिनेशन और है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइन मार्केटिंग एज, मतलब अमेरिकन जो मार्केटिंग एसोसिएशन है यूएसए की, उसने भी मार्केटिंग को डिफाइन किया है। देखिए क्या लिखा है इसमें, मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब एक इंस्टीट्यूट की एक्टिविटी है, एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट्स, पार्टीज एंड सोसाइटी एट लॉन्ग। ये डेफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा डिफाइन की गई थी। तो दोस्तों, ये कुछ डेफिनेशन हो गए, इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं आप इसको। डेफिनेशन दोनों में से आप कोई भी याद रख लेना, यही आपके लिए सिंपल रहेगी क्योंकि डेफिनेशन जहां तक लगता है मुझे एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। आगे देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, के क्या कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग का। मार्केटिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आर डायरेक्टली एसोसिएटेड, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें।
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टर्म इज रिलेटेड टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, मतलब जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न मार्केटिंग से के जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, उससे रिलेट करता है। क्योंकि आज के टाइम में कंपनियों में इतनी मतलब कंपटीशन बढ़ चुका है कि जिसकी जितनी मार्केटिंग अच्छी होगी उसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकेगा मार्केट में, तो उसकी ग्रोथ भी उतनी ही होगी। तो ज्यादा फोकस कहां पर किया जा रहा है, मार्केटिंग में। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज And we says that requirement of consumer and fulfill the needs in more perfect and effective manner than competitor. अब देखिए इस लाइन में यही लिखा हुआ है कि जैसे आपका कोई कंपिटेटर आपकी कंपनी है और दूसरी कंपनी है जो आपकी कंपिटेटर कंपनी है, अगर वो कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दे रही है तो अब उनका प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं, तो उसके लिए आप अपनी क्वालिटी में इंप्रूव कीजिए और जो मार्केटिंग लेवल है उसको थोड़ा इंक्रीज करना होगा आपको। क्योंकि अगर इक्वल होगा तो क्या फर्क रह जाएगा, अगर आप उससे ज्यादा एफर्ट लगाएंगे मार्केटिंग में, इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकेगी। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज सच एज बेटर वे बाय विच सॉरी मतलब जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा वे चूज करता है, सर्च करता है जिससे जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको टारगेट कस्टमर्स को सेल कर सके। तो दोस्तों बस इतना ही है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है। आगे हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग। जो मैंने फिर बता रहा हूं आपको कि कंप्लीट टॉपिक्स देखेंगे हम, यूनिट वाइज देखेंगे, नोट्स कंप्लीट अवेलेबल है इसके, आप परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, अगर कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो प्लीज अपनी जो प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं आपको फ्री में नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। वैसे कॉस्ट ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम कॉस्ट हमने रखी है नोट्स के लिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स इसको परचेज कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर चार्जेस ले रहे हैं स्टडी के लिए, तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आप इतना चार्ज मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं आपसे, 50 रुपी पर सब्जेक्ट चार्जेस है मेरा। आप कॉलेज में इतनी फीस देते हैं, वहां अगर आपको एक्सेप्ट करते हैं कि आप इतनी ही स्टडी हमें मिले, लेकिन वहां पर आपको नहीं मिल पाती इतनी ज्यादा फीस में भी, और यहाँ पर आपको ओनली 50 रुपीज में लेक्चर्स, आपके लिए सभी लेक्चर्स फ्री हैं। ये नहीं है कि आपके लेक्चर्स में टॉपिक मिस हो जाएंगे, कोई टॉपिक मिस नहीं है। तो लेक्चर्स आपको फ्री मिल रहे हैं, नोट्स के लिए सिर्फ 50 रुपी आपसे ले रहा हूं मैं, तो ज्यादा चार्जेस मुझे तो नहीं लगते। अगर आपको लगते हैं तो मुझे बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।